नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूँ रामरूप शर्मा। बताएं भाई बच्चे, आप लोग कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं? आप लोग जल्दी से बताइएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा। और ये जो वीडियो है वो जेई मेंस वाले बच्चों के लिए है। ये वीडियो है जेई मेंस वाले बच्चों के लिए। सबसे पहले तो आप सबके लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पेपर को बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आप केवल 12th का पोर्शन भी 100% अटेम्प्ट करते हैं तो आपकी जो परसेंटाइल है वो 80 के आसपास तक भी जा सकती है, उससे ज्यादा भी आ सकती है। क्योंकि जो 12th का पोर्शन है वो करीब 55% है। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है कि किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले मेरी राय में आपको पेपर को 2 राउंड में आपको अटेम्प्ट करना है, कम से कम 2 राउंड में अटेम्प्ट करना है। पहले राउंड में आप मान लीजिए सबसे पहले केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, तो ये खुद डिसाइड करें कि आप केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे या मैथ से स्टार्ट करेंगे या फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग केमिस्ट्री से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री आएगी तो आपको नंबर देगी, नहीं आएगी तो आपका टाइम बचाएगी, ठीक है ना। और करीब जो है उसके लिए 35 मिनट आप दे दीजिएगा। इस 35 मिनट में भी ये ध्यान रखिएगा कि पहले 3-4 मिनट में आप पूरे 30 क्वेश्चन को एक बारी नजर डाल लें, यानी कि रीड कर लें। ऐसा ना हो कि आप 15 क्वेश्चन तक ही अटके रह जाएं और 35 मिनट हो जाए, 40 मिनट हो जाए, और 20वां 21वां 22वां क्वेश्चन काफी आसान हो, जो आपको आता हो, ठीक है ना। फिर आपने चेंज कर दिया या टाइम नहीं बचा तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब 35 मिनट होने के बाद, जरूरी नहीं है कि 35 मिनट एग्जैक्टली हो सकता है आपका काम 32 मिनट में हो जाए, हो सकता है आपका काम 40 मिनट में हो जाए। बस ये ध्यान रखिए कि अगर आपने 2 मिनट कम लिए तो वो 2 मिनट आप अगले सब्जेक्ट में दे सकते हैं, और अगर आपने 2 मिनट या 5 मिनट ज्यादा लिए तो अगले सब्जेक्ट में से आपको काट लेने। फिर आप तुरंत स्विच कर दीजिएगा 40 मैथ फिजिक्स पर, और फिजिक्स के लिए मैंने यहाँ पर रखे हैं करीब 40 मिनट, ठीक है ना। तो 40 मिनट में फिर वही चीज आपको रिपीट करनी है कि पूरे 30 के 30 क्वेश्चंस को आप देखिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी को, और उसमें डिसाइड कर लीजिएगा कि ये 10 क्वेश्चन या ये 15 क्वेश्चन या ये 25 क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने विद इन 40 और 45 मिनट, ये हो जाने चाहिए। देन आप आ जाइए मैथमेटिक्स में। यहाँ के लिए मैंने आपको 45 मिनट दिए, मैथमेटिक्स के लिए 5-10 मिनट एक्स्ट्रा की जरूरत होती है। तो फिर आप अपना जोर पूरा का पूरा मैथमेटिक्स पर आजमा लीजिएगा। ये टोटल मिलाकर आपके राउंड 1 में 120 मिनट हो जाएंगे। अब आपके मिनट बचे 60, तो उसके बाद में आप 15 15 15 मिनट दे दीजिए केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथमेटिक्स को। ये बिल्कुल 100% श्योर नहीं है कि 15 ही दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी मैं केमिस्ट्री में ज्यादा कुछ कर सकता हूं तो वहां आप 20 मिनट भी दे सकते हैं, फिजिक्स में ज्यादा कर सकता हूँ तो वहां के लिए ज्यादा मिनट दे सकते हैं, मैथ में ज्यादा कुछ कर सकते हैं, यानी कि वो क्वेश्चन जो आपको मोर देन 80% आते हैं, है ना, जिनमें 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी उसे आप दे दीजिएगा, और ये आपके 45 मिनट राउंड 2 में हो जाएंगे। अब आपके बचेंगे 15 मिनट। इस 15 मिनट में आप जो भी आपका बचा हो, जो भी आप करना चाहते हो, या आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो कि यार मैं 4 क्वेश्चन करता हूं, अगर एक भी सही हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा होता है कि 4 में से 1 क्वेश्चन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, तो आप उन 4 क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि फिर भी आपको 1 मार्क्स प्लस में चला जाएगा। एक बात और ध्यान रखें बच्चों, कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो लगता है कि होने वाला है लेकिन होता नहीं है, तो उसे 2 बारी से ज्यादा ट्राई ना करें, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कभी कभी बच्चे ऐसे करते हैं, एक क्वेश्चन है, होने वाला था, नहीं हुआ, 3 मिनट चले गए, दोबारा अपने माइंड में वही क्वेश्चन लगातार बना हुआ है, फिर आपने 3 मिनट दे दिए, फिर भी नहीं हो पाया, लास्ट में अटक गया, तो फिर आप उसको टाइम मत दीजिएगा, उसमें डिसाइड कर लीजिएगा कि या तो ये छोड़ना है या तो मैं ऑप्शन पर टिक कर देता हूं, ठीक है ना। यानी कि अपना जो डिसीजन है वो 2 अटेम्प्ट के बाद में उसे पेंडिंग में मत रखिएगा, डिसाइड कर लीजिएगा आइदर डन और नॉट डन।
उससे अगली जो इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा कि ये बिल्कुल भी अंदाजा ना लगाएं कि केमिस्ट्री का पार्ट टफ आया है तो फिजिक्स और भी टफ होगा और मैथ तो महा टफ होगा, ऐसा नहीं होता है। एक पार्ट टफ इजी होता है तो दूसरा टफ होता है, दूसरा टफ होता है तो तीसरा इजी होता है। चलिए मैं 1% बात आपकी मान भी लेता हूं कि तीनों पार्ट टफ हैं, तो उसकी बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो टफ सबके लिए हैं। ऐसा जेई मेन के एग्जाम में बिल्कुल नहीं होता कि जिसके 150 नंबर आएंगे तो ही आपकी 98% बनेगी। यहाँ पर जो आपकी परसेंटाइल है वो कंपेरेटिव स्कोर पर बनेगी, आपके सीधे सीधे स्कोर पर नहीं बनेगी। ये परसेंटेज नहीं है, ये परसेंटाइल है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगे, लगेगी ही ऑब्वियसली, तो इसे आप जरूर अप्लाई करके देखें। मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी शुभकामना है कि आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। वीडियो को लाइक करके शेयर भी करिएगा, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ यानी कि काउंसलिंग तक, तो आप जुड़ सकते हैं 7982985588 पर। और अगर आप लेना चाहते हैं मेंबरशिप तो आप ले सकते हैं 1000 रुपीज में मेंबरशिप अप टू द काउंसलिंग यानी कि आपके एडमिशन तक। CRL आपको लानी होगी, अटेम्प्ट आपको करना होगा, कैसे करना है, कैसे बेटर हो सकता है वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे, हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।